इन दिनों एड टेक कंपनी बायजूस काफी खबरों में है। उनके दफ्तर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सर्चेस हुई और अब फाउंडर बायजू रविंद्रन ने दिया है एम्प्लॉइज को एक मैसेज। मामला क्या है, आई एक्सप्लेन इन जस्ट अ मिनट। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर काम करने वाली एजेंसी ईडी ने बीते शनिवार बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप बायजूस के ऑफिसेस सर्च करते हुए डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा सीज किया। दिस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। But why? ED says that the company has received foreign direct investment to the tune of 28,000 crore rupees during 2011 to 2023. वहीं कंपनी ने 9,754 crore rupees foreign jurisdictions में भेजे as an overseas direct investment. Employees को लेटर भेजते हुए रविंद्रन wrote, all of the transactions had been made through regular banking channels with the appropriate documentation. He added, I understand that this news may have caused concern, and I want to assure you that we remain steadfast in our commitment to our students and vision. बायजू रविंद्रन ने स्टार्टअप की शुरुआत 2011 में की थी और फाइनेंशियली कंपनी का वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा। बायजूज इज इन टॉक्स विद इन्वेस्टर्स टू रेज फंड्स टू एड्रेस अ लिक्विडिटी क्रंच।